हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। तो आज मैं आपको बताऊंगी देवयानी एकादशी कब है, तुलसी विवाह कब है और ग्यारस कब है। तो देखिए, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। वहीं सभी एकादशियों में देवउठनी एकादशी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि इस दिन चतुर्मास की समाप्ति के साथ ही सभी मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि वर्ष 2023 देवउठनी एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, और साथ में ही जानते हैं तुलसी विवाह की तिथि और शुभ मुहूर्त। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। इस दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए साधकों द्वारा व्रत भी किया जाता है। देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन चतुर्मास की समाप्ति मानी जाती है। बता दें कि अधिक मास में पड़ने के कारण इस साल चतुर्मास 5 महीने का होगा। देवउठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 नवंबर रात 11:03 से होगा। वहीं इसका समापन 23 नवंबर रात 9:01 पर हो रहा है। ऐसे में देवउठनी एकादशी या एकादशी प्रबोधिनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर गुरुवार के दिन किया जाएगा। देवउठनी एकादशी का महत्व समझाती हूँ मैं अब आपको। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री हरि क्षीर सागर में विश्राम करने चले जाते हैं, इसलिए इस तिथि से सभी मंगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, जनेऊ संस्कार कार्यों पर रोक लग जाती है। वहीं देवउठनी एकादशी तिथि पर जब भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जागते हैं, तब चतुर्मास समाप्ति मानी जाती है और सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। अर्थात इस दिन मांगलिक और धार्मिक कार्य बिना मुहूर्त देखे शुरू किए जा सकती हैं। अब तुलसी विवाह के बारे में जान लेते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु तुलसा जी का विवाह किया जाता है। द्वादशी तिथि 23 नवंबर 9:01 पर हो रहा है। वहीं इसका समापन 24 नवंबर 7:06 पर होगा। ऐसे में 24 नवंबर शुक्रवार के दिन तुलसी विवाह किया जाएगा। इस बार यह 22 नवंबर की रात 11:03 से शुरू होगी और 22 और 23 नवंबर की रात 9:01 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के मुताबिक देवउठनी एकादशी इस बार 23 नवंबर 2023 गुरुवार को मनाया जाएगा। अगर आपके घर तुलसी नहीं है, आप तुलसी विवाह करना चाहते हैं, तो तुलसी विवाह के लिए आपको तुलसी लानी होगी। तो तुलसी विवाह जिस दिन होता है उसे एक दिन पहले तुलसी लाई जाती है। तो आपको तुलसी विवाह करने के लिए पहले एक दिन तुलसी लानी पड़ेगी, उसके बाद विवाह होगा। तुलसी विवाह दुल्हन पक्ष का स्वागत नाचते गाते भक्तों के साथ एक भव्य बारात द्वारा किया जाता है। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि जो निसंतान दंपत्ति तुलसी का कन्यादान करती हैं, उन्हें जल्दी संतान का आशीर्वाद मिलता है। समारोह तब समाप्त होती हैं जब भगवान विष्णु और उनकी दुल्हन तुलसी घर लौटती हैं। अब आपको बताती हूँ कि तुलसी विवाह कैसे करना है। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी या वस्त्र बिछाएं और उसमें तुलसी का पौधा और शालिग्राम को स्थापित करें। इसके बाद तुलसा जी और शालिग्राम जी में गंगा जल छिड़कें। चौकी के बाद एक कलश में जल भर के और घी का दीप जलाएं। इसके बाद तुलसा जी और शालिग्राम को रोली व चंदन का तिलक लगाएं। गन्ना, मूली, कलश, नारियल, कपूर, आंवला, बेर, मौसमी फल, शकरकंद, सिंघाड़ा, सीताफल, गंगा जल, अमरूद, दीपक, धूप, फूल, चंदन, रोली, मौली, सिंदूर, चुनरी, हल्दी, वस्त्र, सुहाग, समापन बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, साड़ी, बिछिया। आपको ये सामान तो तुलसी विवाह में लेना ही है। फिर पूरे विधि विधान से आपको तुलसी जी और शालिग्राम जी की शादी करनी है। उसके बाद अगर ऐसा भी होता है कभी कभी कि दोनों ही शालिग्राम तुलसा जी ही एक ही इंसान कराता है, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की तुलसा जी होती हैं, किसी की शालिग्राम होते हैं। तो जिनके शालिग्राम होते हैं, जिनके साथ हम तुलसा जी का ब्याह कराते हैं, बिल्कुल लड़कियों की तरह ही जो हम देना चाहते हैं वो दे सकती हैं। तो तुलसा जी का दान मतलब जब हम उनका कन्यादान कर देते हैं, तो जो शालिग्राम वाले पक्ष होती हैं उनके साथ हमें तुलसा जी को विदा करना होता है।
तो इस तरीके से मेरी जानकारी ख़त्म हुई। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सारे त्योहारों से जुड़ी हुई वीडियो, पूजा विधि, सारी व्रत कथाएं आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी।